राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वो रिटायरमेंट लेंगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान कब संभाली? जब पार्टी बिखर रही थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने दो बार सरकार बनाई और कांग्रेस अध्यक्ष रहते उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं। मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूं। सोनिया गांधी एकमात्र ऐसी अध्यक्ष रही जिनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार दो बार केंद्र में सरकार बनाई। 1998 में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस की कमान संभालने के 6 साल के भीतर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हटाकर यूपीए की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। हालांकि उस वक्त उनके प्रधानमंत्री बनने की अटकलें जोरों पर थी, लेकिन विदेशी होने के मुद्दे पर विरोध होने के बाद उन्होंने इस कुर्सी को ठुकरा दिया। 2009 के चुनाव में भी उनके सामने भाजपा के दूसरे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को हराकर अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी हमेशा सियासत से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि पहले उनकी सास इंदिरा गांधी और फिर पति राजीव गांधी की हत्या से वो काफी आहत थी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपने की बात की गई, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन 1997 में कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ रही अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए सियासत में आने को राजी हुई और 1998 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद मेरे पति की भी हत्या की गई, मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी, तब वो विपक्ष में थी और कांग्रेस के पास मात्र 4 राज्यों में ही सरकारें थी और लोकसभा में कांग्रेस के 141 सांसद थे। लेकिन सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने न सिर्फ केंद्र में 2 बार सरकार बनाई, बल्कि कई राज्यों में भी कांग्रेस का शासन लौटा। हालांकि यूपीए 2 के अंतिम दौर में राज्यों में कांग्रेस बिखरने लगी और आज 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा में मात्र 46 सांसद हैं। अनमोल कुमार की रिपोर्ट।